हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे। तो मेरे ब्लॉग पे हैं आप लोग का स्वागत। बिना देरी करे चलो शुरुआत करते हैं ब्लॉग का। और आज का ब्लॉग है स्पेशल, तो आज का ब्लॉग लास्ट तक देखना तब आपको समझ में आएगा। तो दरअसल यहाँ पे हो गई है सुबह, तो सुबह सुबह हम करते हैं खाना बनाने की तैयारी। तो यहाँ पे एल्विस होते हैं जो कि मम्मा को कर रहे होते हैं परेशान, फिर इधर सोम्या के डैडी आते हैं तो वो एल्विस को लेके चले जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैं और नाना जी दोनों लोग मिलके मतलब सुबह का खाना बनाते हैं। तो दरअसल ना सब्जी में आया होता है करेला, तो करेले को काटने में काफ़ी टाइम लगता है। उसको ऊपर से छिलो, फिर उसको काटो, फिर उसके लिए प्याज इतने सारे काटो, तो इसलिए यहाँ पे नन्ना जी वो प्याज काटती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मतलब वो जब तक वो सब्जी काट रही हैं लाओ तब तक मैं आटा गूंद के मैं रोटी बना देती हूँ, फिर इसके बाद सब्जी यहाँ पे इस एक साइड सब्जी बन जाएगी। या इधर कुकर में बना रहे थे चावल। और फिर क्या, इसके बाद हम जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं इधर किचन का काम, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा पड़ता है कि बस सोचते हैं जल्दी से किचन का काम फिनिश कर दें। और जैसे ही किचन का काम फिनिश होता है तो इधर एल्विस भी होते हैं, उनको भी भूख लगा रहता है, तो इनको भी कुछ ना कुछ सुबह के समय खाने को चाहिए। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी किचन का काम ख़त्म करके फिर मैं एल्विस को नाश्ता कराऊँ। और ये होता है कि मतलब मैं अगर किसी को देती हूँ जैसे ननद जी को या मम्मी जी को एल्विस को नाश्ता कराने के लिए, तो नहीं करा पाते क्योंकि एल्विस इतना ज़्यादा परेशान करते हैं ना, तो नहीं खा पाते हैं कभी, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही मस्ती करते हैं, तो वो मेरे हाथ से खा लेते हैं, तो इस चक्कर में मुझे ही उनको खाना खिलाना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या, मैं उनको थोड़ा सा प्यार करती हूँ, मस्ती करते हैं मेरे साथ और इसके बाद मैं उनको यहाँ पे खिलाती हूँ। तो ये होता है कि मैं उनको बैठ के भी खिलाती हूँ, लेट के भी खिलाती हूँ। तो जैसे लेटने पे ये होता है ना कि अगर जैसे मैं दूध वगैरह पिलाती हूँ तो ये होता है ये गिरा देंगे, तो इस चक्कर में ऐसे थोड़ा मतलब सर इनका ऊँचे पे रखी रहती हूँ, सर थोड़ा ऊँचे पे होता है और ऐसे करके ये आराम से जल्दी जल्दी खा लेते हैं, फिनिश कर लेते हैं। और वैसे तो होता है ये भागते हैं इधर उधर। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे एल्विस को नाश्ता कराने के बाद हम भी करते हैं नाश्ता। और इसके बाद यहाँ पे एल्विस का खोले होते हैं शूज, क्योंकि हम सोचते हैं थोड़ा सा वो मतलब खेल लें। तो उसके बाद क्या, जैसे हम शूज खोलते हैं तो उसी समय ही सोचते हैं कि इनको नहला भी दें और इनका मालिश एक्सरसाइज वगैरह भी उसी समय ही कर दें। तो फिर इसके बाद एक ही बार में मैं मतलब जूता पहना देती हूँ, तो मतलब जब मैं उनका खोलती हूँ शूज़ तो वो आधे घंटे के करीब के लिए खोलती हूँ, तो उसी में ही मैं उनको नाश्ता भी करवा देती हूँ, आधा घंटा या पौने घंटा ऐसे भी हो जाता है। तो उसी में मैं उनका मालिश एक्सरसाइज और उनको नहलाना ये सब मैं कर देती हूँ। और इसके बाद यहाँ पे जब उनका मालिश होता है तो बहुत ज़्यादा ही एल्विस रोते हैं, तो फिर क्या, जब वो रोते हैं फिर वो थक के सो जाते हैं। और इसके बाद जब वो सो जाते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो अब घर का बचा हुआ काम कर लें। तो यहाँ पे हम जाते हैं बर्तन धोने के लिए, तो फिर यहाँ पे हम धोते हैं बर्तन और एल्विस होते हैं वो सो रहे होते हैं और सौम्या मतलब सब लोग खाना खा चुके होते हैं, सबका नाश्ता पानी हो गया होता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी बर्तन धो लेती हूँ। फिर बर्तन धोने के बाद क्या होता है कि आज सौम्या के डैडी कहीं जा रहे हैं, दरअसल वो पूना जा रहे हैं किसी काम के लिए, तो इस चक्कर में मुझे उनका दरअसल बहुत मतलब पुणे का जो सफ़र होता है वो ट्रेन से 3 दिन लगता है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि उनके लिए मतलब मैं ऐसा रास्ते में बना के दूँ कि वो थोड़ा कुछ समय तक चल जाए। तो इसलिए मैं यहाँ पे इनके लिए बना रही हूँ लिट्टी, तो यहाँ पे मैं उनके लिए लिट्टी बनाई होती हूँ। और ये देखो इसका पेस्ट है ये लिट्टी का जो कि बेसन से बनता है, तो वो लिट्टी बनाई होती हूँ और पूड़ी भाजी भी बनाई रहती हूँ। और इसके बाद क्या होता है, जल्दी जल्दी उनका लंच वगैरह पैक कर देते हैं मतलब खाना, फिर उनके लिट्टी। तो ये तो लिट्टी वगैरह थोड़ा 1-2 दिन तक हो जाता है, इस चक्कर में मैं ये बनाती हूँ। और जैसे ही वो जाते हैं
उसके कुछ समय बाद इधर बारिश होता है, तो वो जो मतलब उनका जाने का होता है वो थोड़ा सा इमोशनल वाला सीन होता है, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती। बाकी इधर मैं थोड़ा सा हूँ सैड, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे मुझे अभी अपने दोनों बच्चे लोग को देखना है और सबसे ज़्यादा एल्विस को फोकस है। तो सोमना के डैडी भी जब जा रहे थे तो बोल रहे थे कि एल्विस को देखते रहना, क्योंकि हमें एल्विस को ज़्यादा देखना है और हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग की लापरवाही से एल्विस को मतलब कोई दिक्कत हो जाए और फिर आगे चल के फिर कोई दिक्कत हो। इस चक्कर में हम लोग एल्विस को लेके काफ़ी सतर्क रहते हैं। और इसके बाद और मैं उसको मतलब पूरा टाइम देती हूँ, उसका मालिश वगैरह का, एक्सरसाइज वगैरह का ध्यान देती हूँ। और इसके बाद क्या, यहाँ पे शाम को जब मैं उसको खाना खिला देती हूँ फिर ये होता है डिनर का टाइम होता है, तो यहाँ पे मैं नीचे आ जाती हूँ। और इसके बाद हम करते हैं डिनर की तैयारी। और यहाँ पे इसके बाद डिनर में बनता है रोटी और सब्जी। तो ये होता है सबका थोड़ा थोड़ा मूड अपसेट होता है, कोई भी घर से कोई जाता है तो थोड़ा एक होता है ना सूना सूना सा लगता है, खालीपन सा लगता है। तो इसलिए ये हुआ कि रोटी सब्जी बनेगा, यही सब लोग खा लेंगे। तो इसके बाद क्या है, यहाँ पे हम आटा गूंद रहे हैं, अदर कढ़ाई में भी बनाएंगे सब्जी। और इसके बाद यहाँ पे हम करते हैं किचन का काम जल्दी जल्दी फिनिश। और ये होता है शाम के समय, ज़्यादातर हम शाम को एल्विस को खाना खिला देते हैं तो ये होता है कि एल्विस को उनके डैडी सुला देते हैं, पर अभी आज तो भी इस समय तो उनके डैडी नहीं हैं, तो मुझे एल्विस को लेके थोड़ा ज़्यादा टेंशन है। लेकिन फिर भी एल्विस थोड़ा जल्दी ही सो गए थे, अपने रूम में, और इधर सोमन के डैडी नहीं है, वो गए हैं कुछ काम से बाहर गए हैं, देखती हूँ बताऊंगी बाद में। आज का दिन बहुत ही सैड वाला था, काफी बुरा लगा, पर क्या करें, जाना भी जरूरी है बाहर। और एल्विस तो लास्ट टाइम पे अपने पापा को छोड़ ही नहीं रहा, उसको तो ऐसा लगता है कि जैसे बस अब ये दूर जा रहे हैं, तो इस चक्कर में तो मुझे वो नानी वाला भी उनका याद आया कि एल्विस जब नानी मतलब वहाँ दिल्ली से भी आ रहे थे तो नानी को छोड़ नहीं रहे थे, मेरी गोदी में आने रहे थे, तो ऐसे पापा को भी नहीं छोड़ रहे थे और वो मेरी गोदी में आने थे। उस समय का मतलब थोड़ा इमोशनल वाला थोड़ा वो था, तो इस चक्कर में मैंने रिकॉर्डिंग में ही किया सॉरी। बाकी हफ्ते ख़त्म करती हूँ अपना ब्लॉग, आई होप मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।